ऑब्जेक्टिव आप लोगों का है कि पीस एंड हार्मनी बहाल हो, यस कैसे हो? फर्स्ट थिंग इज डायलॉग, जब डायलॉग होगा, चर्चा होगी, सुनवाई होगी, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, भड़ास होती है, वो निकल जाती है। एक प्रेशर वॉल्व की तरह पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है, एक बाई पार्टीजान एफर्ट है हम लोगों का पार्टी के उस ढांचे से ऊपर उठ के, और ये भी सही है कि सभी इंडिया पार्टी साथ मिलके एक प्रयास कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि सकारात्मक दिशा में बात जाएगी। आप लोग बंद रूम में भी चर्चा कर रहे थे, जो जाएंगे वहाँ ऑब्जेक्टिव होता है हीलिंग टच देने का, क्या डायलॉग करेंगे जो पीड़ित लोग हैं? देखिए, पहले चरण में उनकी जो कहानियाँ हैं वो बाहर आनी चाहिए, वो अपनी बात बताना चाहेंगे कैसे कैसे क्या क्या उनकी बीती है, और जो उनके साथ जो कुछ भी हुआ है हम उनकी गवाही लेने आए हैं। एक तरह से रिलीफ कैंप में सबसे ज़्यादा दिक्कत दवा दारू खाने पीने का होता है, वो तो रोज़ की समस्याएं हैं। जो भी अगर इस तरीके की बात आएंगी, कल राजपाल जी से महामहिम से हम मुलाकात करेंगे, उन मांगों को भी रखा जाएगा। अगर प्रशासनिक तौर पे कोई भी जो कमियां हैं जो हम जिन पे प्रकाश डाला जाता है हमारी बैठकों में बातचीत में, उसको हम जरूर उनको सॉल्व करेंगे। लॉन्ग डिमांड आप लोगों का है सीएम रेजिग्नेशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि जवाबदेही सरकार की, प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल रही है। आपने देखा कितना भद्दा मजाक था कि एक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा की चिट्ठी अपनी प्रिंट कराई, उस पर हस्ताक्षर किया, फिर उसे फड़वाया और फिर खुद सोशल मीडिया पर डाल दिया। लेकिन गृह मंत्री का बनता है, प्रधानमंत्री का बनता है उनसे उस जवाब मांगे, और उनकी जो विफलताएं हैं आज देश के सामने आ चुकी हैं, जिस तरह की तस्वीरें हैं वे लोगों को झकझोर चुकी हैं। पूरे देश के लोग चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए। वापस जाकर फिर सदन में यही मांग पूछेगा जो आप? बिल्कुल, सदन में पहली प्राथमिकता सभी दलों ने दी है कि इस पर हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, जिनकी तस्वीरें यहाँ मणिपुर में भी आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट के अंदर भी लगी हुई हैं होर्डिंग्स में, और पूरे देश में छाए रहते हैं, कभी उद्घाटन कर रहे हैं, कभी भाषण दे रहे हैं, मणिपुर को भी संज्ञान लें, मणिपुर को प्राथमिकता दें, सदन में आएं, अपनी बात रखें।